हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपके डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका पार्ट वन करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप सिविल इंजीनियरिंग के हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्ट वाइज नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द पॉइजन रेशियो ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज यूजुअली एज्यूम टू बी, यानी भारतीय मानकों के अनुसार आपकी जो संरचनात्मक स्टील होती है उसके पॉइजन अनुपात का मान आमतौर पर कितना माना जाता है। यहाँ पर आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है संरचनात्मक स्टील के लिए, तो ये रहेगा 0.286। अगर बात की जाए कि सबसे कम पॉइजन रेशियो का मान किसका होता है तो ये होता है कार्क का, 0। और अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा पॉइजन रेशियो का मान किसका होता है तो वो होता है रबड़ का, 0.5। और जो भी आपके इलास्टिक मटेरियल होते हैं मेटल में, उनके पॉइजन रेशियो का मान जो 0.25 से लेकर 0.42 तक होता है। और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंक्रीट का मान जो होता है वो 0.1 से लेकर 0.2 तक होता है। और आपका इसमें एक लास्ट पॉइंट दे रखा है, आपके जो तन्य पदार्थ यानी डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनका पॉइजन अनुपात का मान भंगुर पदार्थ यानी ब्रिटल मटेरियल से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 800 द डेंसिटी किलोग्राम क्यूबिक मीटर ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेल बी टेकन एज, यानी IS 800 के अनुसार आपकी जो संरचनात्मक स्टील होती है उसका घनत्व किलोग्राम घन मीटर में कितना लिया जाता है। आपकी जो संरचनात्मक स्टील होती है उससे संबंधित यहाँ पर चार पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है संरचनात्मक स्टील का घनत्व, तो ये होता है 7850 किलोग्राम मीटर क्यूब। अगर बात की जाए रेखीय प्रसार गुणांक की, को एफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो ये होता है 12×10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है कि यंग मॉडुलस कितना होता है, तो ये होता है 2×10⁵ न्यूटन mm² या फिर मेगा पास्कल। बात की जाए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, तो ये 0.84 से लेकर × 10⁵ से लेकर 0.98×10⁵ न्यूटन mm² तक होता है। ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन स्ट्रक्चरल स्टील डिज़ाइन द साइज ऑफ बट वेल्ड सेल बी स्पेसिफाइड बाई द, यानी संरचनात्मक स्टील डिज़ाइन में बट वेल्ड जो होता है उसके आकार को किससे निर्धारित करते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वेल्डिंग मटेरियल टाइप यानी वेल्डिंग में जो सामग्री यूज होगी, या एवरेज थिकनेस ऑफ द एलिमेंट बीइंग वेल्डेड, वेल्ड की जाने वाली अवयवों की औसत मोटाई से, ऑप्शन सी है आपका, इफेक्टिव थ्रो थिकनेस यानी प्रभावी कंठ मोटाई से, ऑप्शन डी है टेम्परेचर एट विच वेल्डिंग शुड बी डन, उस ताप से जिस पर वेल्डिंग होनी चाहिए। संरचनात्मक स्टील डिज़ाइन में बट वेल्ड के आकार को जो है स्पेसिफाई करते हैं प्रभावी कंठ मोटाई से यानी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस से, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए स्टील मेंबर इज ऑलवेज अंडर टेंशन बट नॉट प्री स्ट्रेस्ड
द मैक्सिमम अलाउबल इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी। पूछा है एक स्टील मेंबर है जो हमेशा तनाव में होता है लेकिन वो पूर्व प्रतिबलित नहीं है, अधिकतम स्वीकार्य प्रभावी स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा? 300 होगा, 180 होगा, 400 होगा या फिर 450 होगा। यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है अवयव के प्रकार और अधिकतम तन्यता अनुपात। कोई आपका कंप्रेशन मेंबर है जो डेड लोड ऑब्टेन करता है, उसके लिए जो है मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो रहेगा 180। अगला पॉइंट है कोई आपका कंप्रेशन मेंबर है जो वायु और भूकंपीय भार को ग्रहण करता है, उसके लिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो रहेगा 250। तीसरा पॉइंट है आपका कोई आपका एक टेंशन मेंबर है जो छत ट्रस या ब्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है एज ए टेंशन मेंबर, तो उसके लिए रहेगा 350 अधिकतम तन्यता अनुपात। आपका चौथा पॉइंट है टेंशन मेंबर जो अतिरिक्त लोड सहते हैं उनके लिए अधिकतम तन्यता अनुपात रहेगा 400। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा 400। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प ट्रस के मुकाबले स्टील गर्डर होने का एक फायदा नहीं है? कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन यानी निर्माण की जो लागत होती है, इरेक्शन टाइम उसके बनने का समय, वेट यानी वजन, या फिर इजी टू पेंटिंग यानी पेंटिंग करने में आसानी होती है। क्वेश्चन में पूछा है ट्रस के मुकाबले स्टील गर्डर होने का एक फायदा नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा वजन। अगला क्वेश्चन है ए स्टील बीम सपोर्टिंग लोड फ्रॉम द फ्लोर स्लेब एज वेल एज फ्रॉम वॉल इज टर्म्ड एज, यानी स्टील का एक बीम है जो फर्श स्लेब से और साथ ही दीवार से भार को अवलंब प्रदान कर रहा है वो क्या कहलाता है? उसे स्ट्रिंगर बीम कहते हैं, लिंटल बीम कहते हैं, स्पैंड्रल बीम कहते हैं या फिर हेडर बीम कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्पैंड्रल बीम, और जो बीम स्टेयर स्टेप को सहारा देता है उसे कहते हैं स्ट्रिंगर बीम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है द एरिया यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्ट्रक्चरल स्टील डिज़ाइन इज द। आपकी जो संरचनात्मक स्टील होती है उसके डिज़ाइन में स्वीकार्य संपीड़न प्रतिबल की कैलकुलेशन के लिए प्रयुक्त एरिया कौन सा है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ग्रॉस सेक्शनल एरिया यानी सकल अनुभागीय क्षेत्र, एरिया ऑफ द फास्टनर ओनली, या ग्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस एरिया इन कनेक्शंस, या इफेक्टिव ओवरलैप्ड एरिया। आपके संरचनात्मक स्टील डिज़ाइन में स्वीकार्य संपीड़न प्रतिबल की कैलकुलेशन के लिए जो एरिया यूज करते हैं वो होता है ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में उसमें डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पार्ट वन हमने कर लिया है और पार्ट टू इसका हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।